नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है सीखो सिखा चैनल पे। मैं हूं तुलसी मातो। आज जो मैं आपको बताऊंगा, आप अपना खुद का ब्रश बना सकते हैं। और अगर आपको ब्रश बनाने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप एडोबी इलस्ट्रेटर पे बने बनाए हुए ब्रश का यूज कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस कीजिए और यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, फिर यहाँ पे डेकोरेट का ऑप्शन होगा, सबसे लास्ट में आप क्लिक कर दीजिए। इतना क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ले लेना है कोई सर्कल वगैरह। चलिए, हमने एक सर्कल ले लिया यहाँ से, बस क्लिक करते जाइए और ये देखिए ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे इस तरह का डिजाइन बन गया। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये देख लीजिए, ठीक है, ये देखिए ये बनता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ढेरों चीजें हैं, बस क्लिक कीजिए और देख लीजिए ये किस तरह का दिखने वाला है, बनने वाला है। तो बिल्कुल इजी लगेगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आप इस तरह का भी बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। ये तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है, इतना सारा यहाँ पे है ही, आप खुद से कैसे बना सकते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में आपको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए देर न करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जो ब्रश टूल है इसके बारे में जानते हैं। तो आपको यहाँ पे मिल जाता है ब्रश, तो आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है पेंट ब्रश टूल। शॉर्टकट आप जानते होंगे, अगर नहीं तो बी प्रेस कर दीजिए। तो आप इस तरह से यहाँ पर कुछ ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे आने पे आपको दो तीन चीज़ें नज़र आएंगी। तो एक तो हो गया बेसिक, और यहाँ पे एक हमारे पास ब्रश है, ये देखिए। अच्छा, यहाँ से इसके स्ट्रोक बढ़ा देंगे ना तो फिर ये बढ़ जाएगी, ये देखिए, ठीक है। तो इसी तरह का खुद का आप ब्रश बना सकते हैं और अच्छे अच्छे आप यहाँ पे डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक पे ही चलते हैं। शॉर्टकट आप याद रख लीजिए F5, या फिर विंडो पे आइए और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्रशेस, आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए डॉट डॉट वगैरह कुछ नजर आते होंगे, तीन चार। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक सबसे पहले मिल जाता है न्यू ब्रश, डुप्लीकेट ब्रश, डिलीट ब्रश, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। एक यहाँ पे आ जाते हैं, एक थैम्पल व्यू है, एक लिस्ट व्यू है। तो लिस्ट व्यू करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से दिखने के लिए, बस बेसिकली देखने के लिए है। तो मैं यहाँ से थैम्पल ही कर देता हूँ ताकि हमें अच्छे से यहाँ पर नज़र आ जाए। एक यहाँ पे ओपन ब्रश लाइब्रेरी है और एक सेव ब्रश लाइब्रेरी है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं ओपन। बेसिकली हम लोग इसे देखते हैं तो यहाँ से भी हम लोग ओपन कर सकते हैं। ये देखिए एरो वगैरह अगर आपको चाहिए तो स्पेशल एरो पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ना सिर्फ आपको एरो ही मिलेंगे। ये देखिए किस तरह का आपको एरो चाहिए, किसी एक पे क्लिक कीजिए और जहाँ पे इन एरो का आपको यूज़ करना हो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, सीधे हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो सीधे आपको यहीं पे मिल जाएगा। ये देख लीजिए जो मैंने सेब के लिए बताया वो देखिए यहाँ पे सेब ब्रश मिल जाता है। तो एरो यहाँ पे ढेरों हैं, आप पैटर्न एरो ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पैटर्न एरो है, ढेरों यहाँ पे बनी बनाई हुई है, ये देखिए, ठीक है। इस पर भी अगर आपको कुछ चेंजिंग करनी हो तो भी कर सकते हैं आप। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार इस पर क्लिक कर रहा हूँ, एक बार इस पर क्लिक करते रहूँ। अब हमें वो जो ब्रशेस हैं यहाँ पे मिल जाते हैं, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और ब्रश को यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए हमारा यूज़ हो गया है। तो मैं थोड़ा स्ट्रोक यहाँ से बढ़ा देता हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो इसलिए आपको साइज़ ना थोड़ा सा ध्यान देना है। ये देखिए, ठीक है, ये जो पैटर्न है, मैं कोई पेन टूल से अगर डिजाइनिंग करता हूँ या फिर लिप टूल, रेक्टेंगल टूल, इन सब पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्लिक कीजिए तो वो देखिए वो डिजाइनिंग यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्लिक कीजिए वही डिजाइनिंग यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रोक बढ़ा दे रहा हूँ तो ये देखिए इसे ले रहा हूँ तो ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आने वाला है, ठीक है। इस पर अगर आपको कुछ चेंजिंग कर रही हो तो इसी ब्रश पर डबल क्लिक करते हैं ना तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक पैनल आ जाएगा ब्रश ऑप्शंस के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि ये है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं तो ये है क्या, आउट कॉर्नर। तो यहाँ पे देखिए ये जो आउट कॉर्नर आपको सैम्पल दिखा देता होगा, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे आएंगे तो ये साइड के लिए दिया हुआ, तो यहाँ पे देखिए ये इस जगह के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए तो ये यहाँ के लिए है, इनर कॉर्नर के लिए, स्टार्टिंग के लिए है यहाँ पे, ये देखिए स्टार्टिंग के लिए, और ये जो है एंड के लिए। अगर आपको कुछ चेंजिंग करनी हो तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से कर दे रहा हूँ ये, बस ऐसे ही क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे लग गया। ओके करते हैं, अप्लाई कर देते हैं तो ये देखिए
वो जो हमने बनाया था ना वो यहाँ देखिए यहाँ पे ऐड हो गया है। फिलहाल सारे को डिलीट कर रहा हूँ, तो एक तो तरीका है क्लिक है और डिलीट पे क्लिक करके इंटर कर दीजिए, या फिर ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ के, यहाँ पे ड्रैग करके लाइए छोड़ दीजिए, तो वो भी हट जाएगा। ये तो था कि यहाँ पे ब्रश ऑटोमेटिकली पहले से हैं, और भी चीज़ें हैं आप देख लीजिएगा यहाँ पे आके, ठीक है। ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे पहले से ही हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सिर्फ आपको यूज़ करना आना चाहिए। ये देखिए पहले से ही है यहाँ पे। अब जो बात आती है कि हम लोग अपना खुद का ब्रश किस तरह से बना सकते हैं। ओके गाइस, तो अब जो है हम लोग अपना खुद का ब्रश बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्लस बटन दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले मिलता है कॉलीग्राफी, तो चलिए ओके करते हैं। हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे मिलने वाला है, तो सबसे पहले यहाँ पे नाम, जो भी आप नाम देना चाह रहे हो नाम दे लीजिए। बेसिकली ये है क्या पहले ये समझते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। तो हमने एक यहाँ से सर्कल ली, ये हमारी सर्कल है, ठीक है। सर्कल को आप मान के चलिए आपने कुछ इस तरह से बनाया, यहाँ से रोटेट किया, ठीक है। बेसिकली यही सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी और वो ब्रश पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारी देखिए मैंने अभी बताना ये पूरी तरह से सर्कल गोल है ना, गोल है हमारे पास। अब सबसे नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमें साइज पूछ रही है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको साइज दिखाई देता होगा, तो आप अपने हिसाब से साइज देख लीजिए। मैं यहाँ करता हूँ 10 PT। अब यहाँ पे राउंड आपको कितना चाहिए यहाँ पे देख लीजिएगा, तो ये देखिए ये किस तरह से अभी मैंने एग्जांपल के लिए बताया ना आपको, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से मेंशन करनी है। एंगल, एंगल भी मैंने आप लोगों को भी बताया। ओके करते हैं, ब्रश टूल लेते हैं और कुछ ड्रॉ करते हैं, ये देख लीजिए। अच्छा यहाँ पे भी फिल क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि कलर हमारा वाइट था, ये देखिए मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखिए ठीक है। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट यहां पे रखती है, ओके गाइस। फिर से मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं और मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से देखिए इस तरह से भी राउंड कर सकते हैं हम, मैं थोड़ी साइज इंक्रीज कर देता हूँ और यहाँ से इस तरह कुछ कर दूँगा, तो वो जो ब्रश है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। 69 देखिए कोलियोग्राफी, आपको नाम वगैरह यहाँ पे दिख जाएगा, तो मैं कुछ इस तरह से बस ज़्यादा नहीं इस तरह से कुछ कर रहा हूँ, ओके। फिर भी अगर आपको कुछ चेंज करना है तो डबल क्लिक करते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएंगी, आप चेंज वगैरह कर सकते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो देखिए उसी पे अप्लाई हो गया है। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं एंगल इस तरह से कर दे रहा हूँ, ये थोड़ी साइज में छोटी कर दे रहा हूँ। प्रीव्यू ऑन करेंगे तो ये प्रीव्यू भी हमें यहाँ पे दिखा देगा, तो ये मुझे ज़्यादा पसंद है कि हमें ओके करने से पहले ही पता चल जाता है कि हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है। ओके, और अप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन के आ जाता है। ये तो था कॉलीग्राफी, आप कई तरह से बना सकते हैं। ओके गाइस, आई होप कि जो कॉलीग्राफी ब्रश है आपको समझ में आ गया होगा। स्केटर ब्रश है ये देखिए, यहाँ पे अभी हाइड है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए जो हमें ना यहाँ पे कुछ बनाना होगा शेप, उसके बाद ही ये वर्क करेगा। तो चलिए कुछ बना लेते हैं, तो मैं कुछ इसी के कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, यानी कि उसी के ऊपर पे हो जाएगा। दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, प्लस पे यहाँ पे प्लस क्लिक करना है, तो ये देखिए स्केटर ब्रश हमारा आ गया है, ठीक है। मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पे ओके कर दे रहा हूँ। ये हमारा यहाँ पे आया हुआ है, और हम लोग यहाँ पे चलिए एक आर्ट बोर्ड ले लेते हैं, ताकि ये भी हमारा रहेगा,
एक आर्ट बोर्ड यहाँ से लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। हमने आर्ट बोर्ड लिया, ब्रश टूल पे जाऊँगा और मैं इस तरह से कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो वो देखिए हमने जो बनाया हुआ ना, वो देखिए यहाँ पे आ रहा है कुछ इस तरह से। उतना अच्छा तो नहीं है बट जो भी है सीखने के लिए ठीक ठाक है। मैं इसी पे डबल क्लिक कर रहा हूँ। डबल क्लिक करने के बाद सबकी यहाँ पे साइज के लिए फिक्स्ड है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये साइज ना फिक्स्ड ना रहे, रैंडमली हो, कोई छोटा कोई बड़ा ऑटोमेटिकली हो जाए। तो मैं थोड़ा सा सबसे पहले, हाँ अब यहाँ से इसका जो है ये ठीक ठाक है। चलिए प्रीव्यू को ओपन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए देखिए कोई कोई छोटा हो जा रहा है, कोई बड़ा हो जा रहा है ना, ये देखिए कोई छोटा हो जा रहा है कोई बड़ा हो जा रहा है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होंगी। स्पेसिंग के लिए पूछ रहा है, तो स्पेसिंग आपको कितना चाहिए, ये देखिए इन दोनों में आपको स्पेस कितना चाहिए इसके लिए, तो मेरे हिसाब में ठीक ठाक है। अगर आप रैंडमली करना चाह रहे हो कि ये किसी में दूर हो जाए किसी में कम हो जाए, तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है बिखेरना वाला स्केटर, तो ये चीज़ें थोड़ा समय से 100 पे आसपास कर दे रहा हूँ जो हमारा बाई डिफॉल्ट होता है। फिलहाल में फिक्स है ये, तो हमारे पास जो हमने ड्रॉ किया था वो यहाँ पे थी। उसके बाद देखिए तो ये जो फिक्स को हटा देते हैं, रैंडम कर देते हैं। अब देखिए क्या होता है, इसे थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं, ये देखिए या कम करके देखते हैं, ये देखिए रोटेशन के लिए भी है, आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखिए एंगल, किसी का एंगल घूम जाएगा किसी का नहीं घूमेगा, तो अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए मैं इस तरह से अगर ड्रॉ करूं तो ये देखिए ऑटोमेटिकली मैं इधर भी ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूं, ये देखिए थोड़ा जूम आउट कर दे रहा हूं, तो ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली ये अपने हिसाब से एडजस्ट होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्केटर है, तो ये सारे चीज़ें जो हैं ये रैंडमली है, ये देखिए ऑटोमेटिकली ये बिखेर रहा है ना, ये देख लीजिए, ये हार्ट में ले लेता हूँ, ये ओके गाइस। तो मैंने यहाँ पे देखिए ये हार्ट सब लिया और मैं चाह रहा हूँ कि एक हार्ट जैसा बन जाए यहाँ पे, तो ये पूरा अजीब सा लग रहा है ना आपको। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं एक रेक्टेंगल और इस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे अप्लाई होने के लिए तैयार है। ओके गाइस तो ये स्केटर ब्रश, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। हम लोगों ने कोरियोग्राफी देख लिया, स्केटर ब्रश भी देख लिया, अब हम लोग देखेंगे आर्ट ब्रश। आर्ट ब्रश चलिए तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे एलिप्स टूल मिलता है हमें, कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपने ड्रॉ कर दिया, सबसे पहले इसकी जो फिल कलर है मैं उसे हटाता हूँ और स्ट्रोक दे दे रहा हूँ यहाँ से ब्लैक, ठीक है। और थोड़ा सा स्ट्रोक मैं 2 कर दे रहा हूँ, 4 कर दिया मैंने, और इसे छोटा कर देते हैं। ड्रैग करके भी अगर आप ये जो स्पेस है यहाँ पे खाली जगह यहाँ पे छोड़ देंगे तो ये सीधे पूछ रहा है आपको कौन सा ब्रश बनाना है, आर्ट ब्रश, ओके कर दीजिए। या फिर आप ये सिलेक्टेड है हमारा, इस प्लस बटन पे क्लिक करते हैं और आर्ट ब्रश पे क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे तो भी ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। ओके करते हैं, ओके करने के बाद ब्रश टूल में लूँगा, और ब्रश टूल लेने के बाद देखिए मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये हमारा कुछ इस तरह से बना के दे रहा, देख लीजिए गाइस। तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छा है, आप लोग देख लीजिएगा इसे, ठीक है। ये हमने पहले बनाते हैं, चलिए सारे को अंडू करते हैं, मैं हटा देता हूँ। इसी को अगर आपको चेंज करना, ठीक है, अब मैं फिर से मान के चलिए हमने एक सर्कल ली और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंकर पॉइंट से यहाँ पे कट, ठीक है, यहाँ पे भी कर दे रहा हूँ कट। तो हमारे पास कुछ इस तरह से शेप बन के आ जा रहा है। फिर मैं इसे बना दे रहा हूँ आर्ट ब्रश, मैंने कुछ भी अभी नहीं किया, बस आर्ट ब्रश बना दिया। अब मैं देख रहा हूँ ये देखिए, तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन के ये चीज़ें आ रही हैं। अगर आप मुझे इस पर कलर फिल करना हो तो आप कलर फिल कर लीजिए, मैं स्ट्रोक यहाँ से हटा दे रहा हूँ, तो भी हम लोग ब्रश, अब फिर से मैं इसे आर्ट ब्रश ही बना रहा हूँ, बस ओके करते रहूँ।
चलिए ब्रश टूल लेते हैं। अब देखिए इस पे फिल कलर आ गया। चलिए एक एरो बनाते हैं। एरो से हमें काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगे। मैंने कुछ इस तरह से बनाया और यहाँ पे मैं ले लूँगा अब की बार एक पॉलीगन। ठीक है, आपने इस तरह से बनाया, जो अप एंड डाउन एरो होती है ना उसका यूज़ कीजिए, तो इसकी जो साइड्स हैं वो कम होते जाएंगे। जितने भी पॉइंट हैं वो देखिए ये 3 पे आ गए। ठीक है, अब इसे मैं छोटा कर दे रहा हूँ इस तरह से, जितना छोटा चाहिए आप देख लीजिएगा। मैंने यहाँ से इसे छोटा कर दिया। अच्छा, इसकी जो पूंछ है इस साइड है, आप लोग इसे कई तरह से सेट कर सकते हैं। मैं डबल क्लिक करके या फिर मैं कुछ इस तरह से कर दे रहा हूँ, बस आप लोगों को बताने के लिए। सारे को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और ये हमारे पास आर्ट ब्रश के लिए। आर्ट ब्रश पे क्लिक करने के बाद ओके करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है। हमें कुछ भी नहीं करना, बस ओके कर देना है। ब्रश टूल लेंगे और मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अभी ये सीधी ब्रश बन रही है तो ठीक है, लेकिन जैसे मैं टेढ़ा कर दे रहा हूँ तो ये क्या हो जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि मैं सीधी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इतना तक तो ठीक आ रही है, लेकिन जैसे मैं इसे राउंड करना चाह रहा हूँ तो ये देखिए किस तरह से हो जा रही है। तो यहाँ पे एक सेटिंग है, डबल क्लिक करते हैं कि हमें स्केल, अगर इस पर क्लिक करते हैं स्केल प्रोपोर्शनली पे, तो यहाँ पे देखिए ये किस तरह से हो जा रहा है। तो ये भी हमारा समस्या का समाधान तो नहीं हो रहा है। छोटा है तो तब तक ठीक ही ठाक लग रहा है, लेकिन जैसे मैं हम लोग इसे राउंड कर दे रहे हैं तो ये देखिए क्या हो जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देने वाली है। तो मैं सबसे पहले एक यहाँ से आर्ट ब्रश ले लेता हूँ ताकि आप लोग को वाइट नजर आए। फिर डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे आने के बाद ये जो लाइनिंग है ना, मैं इसे बोल रहा हूँ कि आप ना इसे कुछ भी ना करें, करीब करीब इसे ठीक ठाक रहने दें। और इसकी पूंछ को भी आपको नहीं, आपको छेड़छाड़ करना है, जो भी करना है आपको यहाँ पे छेड़छाड़ करना है। चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है। तो हम लोग शुरू पे इस तरह से ड्रॉ कर रहे थे, ठीक ठाक था, राउंड कर रहे थे। तो ये देखिए अब हमें इस पर कुछ भी नहीं हो रहा, जो भी वर्क हो रहा है इस पर हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं, ये देखिए हमने कुछ इस तरह से बना लिया। मैं इसी पर डबल क्लिक करूँगा। तो हमने यहाँ पे ये जो लाइनिंग है ना, इससे इसको बताया कि आपको जो भी कुछ करना है इसे कीजिए, इन चीज़ों को बस स्केल कर दीजिएगा, मतलब इसके हिसाब से आप इसे फिट कर दीजिए। तो हमने इसे यही बताया। फिर यहाँ पे वही कलर वगैरह के लिए है, ठीक है, आप जिस तरह से कलर वगैरह लेंगे वो चीज़ें यहाँ पे आएंगी। ओवरलेप अगर कहीं है तो आप यहाँ पे इसे एडजस्ट कर सकते। तो ये फ्लिप है क्या, ये देखिए यहाँ पे दिखिएगा। देखिए मान के चलिए ये स्टार्ट है, ये एंड है, तो यहाँ पे जैसे मैं हटा दे रहा हूँ तो ये यहाँ पे आ जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ें हैं, आपको ध्यान दे देना है और अच्छे अच्छे आपको यहाँ पे बना लेना है। ओके गाइस, मैं वीडियो एक्चुअली काफ़ी बड़ी बनती जा रही है, हम लोग जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट। ब्रिटिश ब्रश पे आएंगे तो ये ना, अच्छा ये बेसिकली क्या है, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि हमने यहाँ पे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक ब्रश मिलता है, ये, ठीक है। तो ये जो ब्रश मिलता है ना, बेसिकली यही ब्रश है। अगर आपको ये इस तरह का ब्रश यूज़ करना हो पेंटिंग वगैरह के लिए, ठीक है, तो इस पर तो मेरा वीडियो है नहीं, आप लोग गूगल कर लीजिएगा, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका बेसिकली काम क्या है। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग ब्रिटिश ब्रश पे आएंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद इन चीज़ों की सहायता से आप साइज यहाँ पे देख लीजिए। देखिए बस सिर्फ मैं साइज इंक्रीज कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं किया मैंने, तो आप देख लीजिए कि हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। फिर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, हमने तो अभी साइज इंक्रीज की, ये लेंथ के लिए है। ये देखिए मैंने सिर्फ लेंथ यूज़ किया यहाँ पे, तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से बन के आया। तो इस पर मेरी वीडियो, आपको पेंटिंग वगैरह अगर पसंद हो तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप प्रीव्यू करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए गाइस, तो अगर आपको पेंटिंग वगैरह पसंद हो तो आप इन ब्रशों का यूज कर सकते हैं। चलिए जो हमारा नेक्स्ट है उसे देख लेते हैं।
तो प्लस पे आएंगे, यहाँ पे मिल जाता है पैटर्न ब्रश, इस पर क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा। इन सब के बारे में भी देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं तो ये देखिए, ठीक है, तो इन चीज़ों का भी छोड़ते हैं, ओके करते हैं, हटाते हैं। यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक पॉलीगन और इसे ना, सॉरी, इसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। चलिए ड्रॉ करते हैं, इसे मैं उल्टा ड्रॉ करने वाला हूँ। चलिए मैं इसे उल्टा कर देता हूँ। हमें कुछ भी नहीं करना, बस इतना सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे आना है प्लस पे और हमें पैटर्न ब्रश पे ओके कर देना है, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस ओके कर दे रहा हूँ। ब्रश पे आऊँगा और यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये देख लीजिए हमने कुछ इस तरह से बनाया, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से लेता हूँ एक सर्कल, एलिप्स टूल मैंने सेलेक्ट किया, एक सर्कल बनाया और इसी पे फिल करने वाला हूँ। देखिए गाइस, हमने कुछ इस तरह से भी बना लिया, बिल्कुल इजी है ना। अच्छा, इसकी अगर आप एक कॉपी करके छोटा करना चाह रहे हो तो भी कर सकते हैं आप। देखिए गाइस, हमने इस तरह से बना लिया। अच्छा, इस पर और भी अगर आपको चेंजिंग वगैरह करनी हो तो आप देखिए, मैं इस पर आ रहा हूँ, इसकी कंट्रोल सी कंट्रोल ऐप से मैंने कॉपी कर ली और बस इसका एक छोटा यहाँ पे बना दे रहा हूँ, बिल्कुल छोटा। दोनों को सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद फिर से हमें एक ब्रश बना लेनी है, पैटर्न ब्रश। कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ओके कर दिया। इस सर्कल पे आएंगे और नीचे वाली को अप्लाई कर देंगे। तो गाइज देख लीजिए आप, हमने कुछ इस तरह से बना लिया है कि नहीं। तो बिल्कुल ईजी है, आप लोग भी इसे बना सकते हैं। अच्छा चलिए, इसे मैं हटा देता हूँ और फिर से कुछ दूसरा लेता हूँ। तो यहाँ पे आऊँगा, फिर से मैं इलेक्ट्रोल ले रहा हूँ और सबकी बार मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ इसे कट, यहाँ से कर्व कर दे रहा हूँ। मैं इसकी एक और एक कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल ऐप, छोटा मैंने कर दिया और इसे कुछ इस तरह से दोनों को सेलेक्ट करेंगे, प्लस पे आएंगे और यहाँ पे पैटर्न ब्रश पे आएंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बस ओके कर देना है। यहाँ पे आएंगे और क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए गाइस, हमने कुछ इस तरह से बना लिया है, बिल्कुल बिना मेहनत के। कितना अच्छा लग रहा है, तो आप भी बना सकते हैं इसे। वीडियो को देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, बिल्कुल इजी है ना। अच्छा, यहाँ पे स्पेसिंग के लिए जो फंडा है, डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाता है ये फिक्स। देखिए मैं इसे अगर थोड़ा सा कम कर दूँ तो ये कम वगैरह हो जाएगा। यही चीज़ें आपको बेसिकली समझनी होती है। मैं ऐसे अगर अप्लाई करूँ तो ये देखिए हमारा क्या हो गया, तो समझना है इसको। पहले डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आते हैं स्टार्टिंग पे, तो ये ऑटो स्लाइड दिया हुआ है, ये ऑटोमेटिकली ले लिया है कि कौन सा कॉर्नर बनेगा, कौन सा क्या बनेगा। तो मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे ओके कर दे रहा हूँ, अप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपको समझनी है, और क्या है, कुछ भी नहीं। एड फिट के लिए दिया हुआ है, ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको करनी है, फ्लिप वगैरह के लिए है, तो फ्लिप वगैरह आपको करनी हो तो कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आप अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं पैटर्न की सहायता से। और अगर आप बने बनाए चाहिए तो आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे ढेरों चीज़ें दी होती है, ठीक है। मैं डेकोरेशन पे आऊँगा और सबसे लास्ट सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इनका भी यूज़ करके ना अच्छे अच्छे डिजाइनिंग बना सकते हैं। देखिए गाइस, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहीं से कर सकते हैं, बट आपको सिर्फ इसका यूज़ करना आना है। अब मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है, मैं कंट्रोल सी कंट्रोल एफ कर रहा हूँ और इसे और एक छोटा कर दे रहा हूँ, फिर मैं अब इसे फिर से चेंज करूँगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें दी हुई है, आप इनका भी यूज़ करके ना ढेरों डिजाइनिंग कर सकते हैं। अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रही हो तो उसके लिए ये देखिए, इस तरह का आप कई जगह देखे होंगे इस तरह का डिजाइनिंग वगैरह के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये ऑटो सिस्टम है, बस आप क्लिक कीजिए, ये बन के तैयार हो गया। तो गाइज यहाँ पे ढेरों सारी चीज़ें दी होती है, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आते हैं कुछ ले लेता हूँ, एक रेक्टेंगल लिया, ये देखिए बिल्कुल इजी है। आप देख लीजिए हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, बस क्लिक करके मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, तो ये देखिए हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे बनते जा रहा है, मैं तो यहाँ पे बनाया नहीं हूँ।
ठीक है, छोड़ छाड़ दें, ऐसा नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल इजी है। फिर मैं वही पे उसी पे आऊँगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें भी हैं, ब्रश टूल लूँगा, इस पर आऊँगा और बस ये देखिए बहुत सारी चीज़ें आप लोग एक बार ट्राई तो कीजिए। फिर मैं वहीं पे जाऊँगा, डेकोरेट स्केटर का ऑप्शन हमारे पास मिल जाता है, तो स्केटर तो हमने अभी पहले ही आप लोग को बता दिया। टेक्स्ट ये देखिए, तो इन चीज़ों का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये माउस है बेसिकली, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बने बनाए हुए। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।